soalnya tuh upload kayak Selasa kan tanggal 30 tuh kan saya video baru dulu lewatan awal lewat baru video pun dulu. अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं एकदम देखने में हार्ड लग रहे हैं एकदम आसान तरीके से इस वीडियो को बना सकते हैं एक टिकटॉक का मोस्ट 10 में चल रहा है किसी भी 10 के ऊपर वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको भी बहुत सारा लाइक मिल सकता है आप भी वायरल भी हो जाओगे तो दोस्तों आपको इस तरह वीडियो बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत होगा एप्लीकेशन नाम काई मास्टर प्ले स्टोर में अवेलेबल है जाके डाउनलोड करना मेरा वाला काई मास्टर चाहते तो मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना मैं आपको मेरा वाला काई मास्टर दे दूंगा तो वीडियो को एंड तक देखते रहना अभी तक मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो पास में जो बेल आइकन प्रेस कर दो जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं इंट्रो के साथ तो आपको काई मास्टर ओपन कर लेना है काई मास्टर ओपन करने के बाद आपको प्लस वाला आइकन में टैप कर देना है ठीक है टैप कर देने के बाद आपको 60.9 रेशियो को चूज कर लेना चूज करने के बाद आपको मीडिया पे चले जाना मीडिया पे जाने के बाद जिस वीडियो को शूट किया था उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है ठीक है तो देख लो गाइस मैं किस तरह से वीडियो को शूट किया था आपको भी इसी तरह से शूट कर लेना ठीक है तो आपको इस तरह से कुछ वीडियो को शूट कर लेना अच्छी तरह से आपको शूट कर लेना शूट करने के बाद आपको इतना ही आपको शूट कर लेना ठीक है शूट करने के बाद आपको एक आपको खाली जगह को छोड़ देना इस तरह से आपको छोड़ देना ठीक है छोड़ देने के बाद आपको ईयर में टैप कर देना आपको लेफ्ट टैप कर देने के बाद आपको इस बॉक्स में टैप करना ठीक है टैप करने के बाद आपको फास्ट में आपको एक फ़ोटो को कैप्चर कर लेना इसके ऊपर टैप कर देना आपको एक फ़ोटो गैलरी में सेव हो गया तो आपको सिंपली फर्स्ट पे चले जो एस्टर पार्ट हुआ है उसको आपको टेम कर लेना है ठीक है तो जितना आपका एस्टर पार्ट हुआ उसको टेम कर लेना है तो इतना आपको काट कर देना है ठीक है फालतू पार्ट है काट कर देना तो आपको सीजर पे चले जाना सीजर पे जाने के बाद आपको टेम टू लेफ्ट प्लेट कर देना ठीक है प्लेट कर देने के बाद आपको सामने तरह जाना है सामने तरह जाने के बाद आपको इतना आपको ले लेना है ठीक है उसके बाद आपको टेम टू राइट कट कर देने के बाद आपको ओके कर देने के बाद आपको फास्ट पे चले जाना है ठीक है फास्ट पे जाने के बाद आपको लेयर में टैप करना है लेयर में टैप करने के बाद आपको मीडिया में उसके बाद आपको एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है ठीक है ब्लैक चूज करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रीन कलर कर लेना है ठीक है कलर करने के बाद आपको इस तरह से कुछ घुमा लेना है उसके बाद आपको इस तरह से आपको अच्छी तरह से सेट कर लेना है जो बाल्टी है बाल्टी चेयर जो भी आप यूज करोगे वो आपको पूरा कवर होना चाहिए ठीक है वो पूरा ढक देना है ठीक है इस तरह से ढक देने के बाद आपको इस तरह लेयर को कुछ बड़ो साइज कर लेना है बड़ो साइज करने के बाद आपको कुछ स्लो मोशन करना चाहते हो तो कहाँ से आप स्लो मोशन देना चाहते हो इतना ठीक है तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना टैप कर देने के बाद आपको सीजर में जाने के बाद आपको तो आपको इस पोजीशन में जाके स्पिल हिट कर देना ठीक है स्पिल हिट कर देने के बाद आपको इतना आप स्लो मोशन देना चाहते हो तो दे सकते हो तो आपको इसको बैकग्राउंड को थोड़ा बड़ो साइज कर लेना है ठीक है इतना आपको साइज कर लेना आपको इस पार्ट को स्लो मोशन देना चाहते हो इसको ऊपर टैप कर देने के बाद आपको स्लो मोशन में चले जाना है ठीक है तो आपको जितना आप स्लो मोशन देना चाहते हो दे सकते हो ठीक है ज़्यादा स्लो मोशन हो गया तो आपको 5 के बीच रखना होगा ठीक है उसके बाद आपको ग्रीन वीडियो को आपको इसके हिसाब से रख देना है ठीक है रख देने के बाद आपको यहाँ पर इस वीडियो को सेव कर लेना है तो आपको ओके आपको शेयर में जाके वीडियो को सेव कर लेना एक्सपोर्ट कर लेना ठीक है एक्सपोर्ट करने के बाद आपको तो दोस्तों मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है आपको काट कर देना ठीक है काट कर देने के बाद आपको फिर से
प्लस वाला आइकन में टैप करना, आपको 60.9 रेशियो को चूज़ कर लेना। चूज़ करने के बाद आपको मीडिया पे चले जाना, जिस फोटो को आप कैप्चर किया था उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके ओके कर देने के बाद आपको, तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। टैप कर देने के बाद आपको वीडियो में दो बार टैप कर देना, ठीक है। टैप कर देने के बाद आपको इसको एग्जिट कर लेना, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओके ओके कर देने के बाद आपको इसको लेकर का कुछ बड़ा साइज कर लेना है। बड़ा साइज करने के बाद आपको ओके, आपको मीडिया पे जाना, सॉरी गाइस लेयर पे, लेयर पे जाने के बाद मीडिया पे आपको जिस वीडियो को एक्सपोर्ट किया था उस वीडियो को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको सिलेक्ट कर लिया हो तो आपको इसके ऊपर टैप कर देना है, ठीक है। टैप कर देने के बाद आपको फुल साइज कर देना है। फुल साइज करने के बाद आपको यहाँ पर ओके ओके कर देने के बाद आपको नीचे लेयर में टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद आपको यहाँ पर नीचे जाना है, क्रोमा की ऑप्शन मिलेगा, तो आपको क्रोमा की ऑप्शन टैप कर देना है, ठीक है। आपको इनेबल कर देना है, इलेवन कर देने के बाद आपको की कलर में आपको जाना है, ठीक है। तो आपको ग्रीन कलर सिलेक्ट कर लेना है, जो कलर यूज करेगा उसको वहाँ पर, तो आपको उस कलर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके ओके कर देने के बाद आपको इस तरह से कुछ एग्जिस्ट कर लेना है अच्छी तरह से, ठीक है। आपको यहाँ पर ओके ओके कर देने के बाद आपको फोटो में लेयर में टैप कर देना है, ठीक है। टैप कर देने के बाद आपको कलर एग्जिस्ट पर जाना है, ठीक है। कलर एग्जिस्ट पर जाने के बाद आपको इस तरह से कुछ कलर को एग्जिस्ट कर लेना है अच्छी तरह से कर लेना है जो आपको। तो दोस्तों आपको ऐसी जगह वीडियो को शूट कर लेना, लाइट कम ज़्यादा ना हो, ठीक है। मेरा लाइट कम ज़्यादा हुआ है इसलिए इसको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसी जगह से शूट करना लाइट कम ज़्यादा नहीं हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद आपको इस तरह जो ऊपर फोटो को आपको टेम कर लेना, ठीक है। टेम टू राइट, राइट कर देने के बाद आपको इस पोजीशन में आपको चले जाना है। जाने के बाद आपको ठीक है लेयर पे चले जाना। लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे आपको एक इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो आपको इसका इफेक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, जाकर डाउनलोड कर लेना। तो आपको नीचे चले जाना है, आपको क्रोमा की पर जाना है, इनेबल कर देना है। इनेबल कर देने के बाद आपको इस तरह से कुछ एग्जिस्ट कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से एग्जिस्ट कर लेना है। अच्छी तरह से करने के बाद आपको इस तरह से कुछ सेट कर लेना है, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपको ओके ओके कर देने के बाद आपको एक ग्रीन वीडियो को आपको टेम कर लेना है, ठीक है। तो आपको सीजर पे चले जाना है, टेम टू राइट कर देना। राइट कर देने के बाद आपको इसका जो सॉन्ग है आपको डालना होगा, ठीक है। तो आपको फास्ट पे चले जाना। फास्ट पे जाने के बाद आपको लेयर पे, लेयर पे जाने के बाद आपको मीडिया पे आपको उस सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इस सॉन्ग को सिलेक्ट करने के बाद आपको सीजर पे चले जाना है, आपको एक्सट्रीमेट ऑडियो पे चले जाना है, ठीक है। ऑडियो पे टैप कर देने के बाद आपको इस वीडियो को डिलीट कर देना है, ठीक है। इसका जो ऑडियो सॉन्ग है वो ऐड हो गया। तो आपको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो दोस्तों बहुत अच्छा से हो गया है, एकदम परफेक्ट हो गया है। तो आपको शूट करने के समय आपको देख लेना है, लाइट कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपको शेयर में टैप कर देना है। टैप कर देने के बाद आपको एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। आपको किस टाइप का ट्यूटोरियल वीडियो चाहिए मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना।